अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख रहे हो मेरे पास जनरेटर है, ठीक है। इसके कारण बस टूट गया थे अंदर, देख सकते हो मेरे हाथ में है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको खोला है और कारण बस दूसरे डाले हैं, लेकिन इसका एक जो है ना किट आउट ऑटोमेटिक जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसका जो है ना एक साइड से नक्का भी टूट गया है, ठीक है। उसकी कोई बात नहीं है, उस पर जो नाम कावे से टाका लगा देंगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों टूट जाते ना फिर जो है ना फिर ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ता। आप देख सकते हो जनरेटर की भी हालत, आपको चेक कराता हूँ स्टेप बाई स्टेप के इसमें मसला क्या था। मसला सिर्फ यही था कि इसका जो है ना कारण बुश जो है ना कारण बुश होल्डर उसमें से बुश टूटे हुए थे, देख सकते हो। ये बिल्कुल है ना कड़ा भी ओके है इसका, ऐसे इसको चेक करना होता है, बिल्कुल आसान ही है, ऐसे चेक करना होता है इसको, ठीक है दोस्तों। ये कड़ा बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा है। फिर इसके बाद हम चेक करेंगे रूटर, रूटर भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चेक होता है। ये भी बिल्कुल ईजी है, इसमें जो फॉल्ट था वो था कारण बुश का, ये आप देख सकते हो। मतलब ये रूटर भी सर्किट बिल्कुल सही तरह सही कर रहा है, सर्किट कर रहा है बिल्कुल सही, ये देख सकते हो। बिल्कुल छोला बना रहा है, मैग्नेट बना रहा है, छोला छोला बना रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट बनाएगा तब जाके ये मतलब कि जनरेटर काम करेगा, अगर मैग्नेट नहीं बनाएगा ये काम नहीं करेगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रिक प्लेट है, इसका एक जो बोल्ट था वो भी ढीला था, ठीक है। वो हम दूसरा लेके लगा देंगे इसको अच्छे वाला, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो नक्का टूटा हुआ है, इधर जो हमने टांका लगा देना है इस पर अभी की मदद से, ये आप देख सको नक्का टूटा हुआ है इसका, कार्बन होल्डर का कार्बन हमने चेंज कर देना है, इसके कार्बन होल्डर जो है ना वो चेंज कर देना है, और जो है ना हम इसको टाका लगा देंगे। ऑटोमेटर रेगुलेटर होता है ना, वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ऑटोमेटर की टाउट जिसको बोलते हैं उस पर टाका हम लगा देंगे कावी की मदद से, ठीक है दोस्तों। मैंने टांका लगा दिया, आप देख सकते हो वीडियो में टांका मैंने लगा दिया है। इसको अभी जो है ना इलेक्ट्रीफायर पर लेट इसको इसके ऊपर लगा देंगे, स्क्रू वगैरह बिल्कुल टाइट कर देंगे, इसके सारे स्क्रू टाइट कर देंगे, देख सकते हो। मैंने इलेक्ट्रीफायर पर लगा दिए लेकिन नट नहीं लगाए, इसको नट सारे लगाने हैं, छः नट हैं इसके सारे लगाने हैं, छः इसके बोल्ट जो होते हैं वो हैं वो लगाने इसमें, ठीक है दोस्तों। वो मैंने लगा दिया, अभी ऊपर वाला ढक्कन है ये लगाना है, ठीक है दोस्तों। अभी जनरेटर जो है ना ये बिल्कुल माशाल्लाह ओके है, ठीक है। अभी इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो फैन में लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।